हेलो ट्रेडर्स, आज का डेट 13 मार्च 2023, मार्केट क्लोज हो गए। आज की वीडियो में सबा कैसा ट्रेड करना कर को वो समझ लेंगे लॉजिक के साथ। उससे पहले आज मार्केट क्या करया वो देखो। आज ओपन होते ही ज़र्रा ऊपर गया मार्केट, ज़र्रा बोलया था देखो कल मैं भैया इसको ज़रा ट्रैप कर लेता, और जो रेजिस्टेंस है देखो वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया मार्केट। क्या अभी देखो 1 आवर में देखेगा तो पूरा रेड 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 डिच है। लास्ट मोमेंट में ये ब्रेक कर दल को, यहाँ एक रीटेस्ट के जैसा बनाया है उन्हें। क्या अब हमें बाई कर लेना क्या? नहीं, सेलिंग ही रहता लेकिन दूसरे तरीके से। अब सबको मालूम हो गए, अब बिगिनर ट्रेडर को भी मालूम हो गए सेलिंग प्रेशर है, सेल करना, लेकिन कैसा सेल करना वो नहीं मालूम। खैर यहाँ चेक कर लेंगे। अब मैं 1 आवर बैंक निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम में हूँ। अब सबा मार्केट कहाँ ओपन होता, फ्लैट ओपन होता, गैप अप ओपन होता, गैप डाउन ओपन होता, वो चीज़ में हमें बात कर लेंगे। फर्स्ट हमें क्या करेंगे, फ्लैट ओपनिंग के बारे में बात कर लेंगे। फ्लैट ओपनिंग होते ही क्या करना, फर्स्ट हमें मार्केट को ज़र्रा ऊपर जाने देंगे। क्यों होगा तो रिट्रेसमेंट पूरा होना, ये 1 आवर कैंडल ये ठीक है, यहाँ तक जाने देंगे। यहाँ एक रिजेक्शन फेस करना मार्केट। ये की वो बोल रहा हूँ तो मैं, अगर तुम्हें प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेगा तो यहाँ क्या था, सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया ठीक है, और यहाँ भी चेक करेगा तो यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया मार्केट। वोच अगर ये करेक्ट ब्रेकडाउन है का तो यहाँ आको मार्केट रिजेक्शन फेस करना, और बायर्स को क्या करना, ज़रा बहुत ट्रैप कर लेना यहाँ। बायर्स को ज़र्रा बहुत ट्रैप करना है यहाँ। जो बिगिनर्स रहते नहीं है वो मार्केट खुल गया इतना फॉल होगा, अभी कितना फॉल होता वैसा सुस्ती देखो, उनको मार्केट बताना कि अभी नहीं, मैं अभी हुआ नहीं, अब ज़रा गिरने का है मंजे। यहाँ देखे तो स्टार्टिंग से भी सेलिंग का 600, अब फिबोनाची के इससे करेंगे हमें कहाँ तक जा सकता, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कहाँ तक जा सकता, कहाँ से हमें सेल करना अगर को ठीक है। फिबोनाची यहाँ से हमें टॉप से लेकर बॉटम तक लगा देगा तो हमारा फिबोनाची लेवल यहाँ तक आ रहा। मैं ट्रेन रेसिस्टेंस से यहाँ मार्क कर को हूँ, यहाँ की वो मार्क कर को हूँ का तो मैं खड़ो ये डिलीट कर को बता तू मैं तुमना, यहाँ की वो मार्क कर को हूँ का तो यहाँ प्रीवियस हिस्ट्री देखो तुम्हें, ये पूरा पहले सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये पूरा देख रही यहाँ देखो, ये पूरा जाको क्या था, सपोर्ट था ये पूरा मार्केट को। अब मार्केट फाइनली यहाँ आ गया तो एक रिजेक्शन फेस करना। अब ऐसा थोड़ी होता है यहाँ से गिर गा वी शेप बन गा, हो सकता चांसेस ही, लेकिन कम बहुत कम, 100 में से कितना, एक 5-10% रहेगा वो। हमें सेलिंग इच करना, लेकिन ज़रा ध्यान से कर लेना। आज का जाको मार्केट मस्त गिरा है, कितने जने पैसे कमाए कमेंट सेक्शन में लिख को बताओ ठीक है। अब फ्लैट ओपनिंग के बारे में बात कर लिया मैं, क्या कर को फ्लैट ओपन होते ही ज़र्रा मार्केट ऊपर जान दे, ये लेवल से रिजेक्शन फेस करें दे, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर नहीं तो हैंगिंग मैन क्या तो भी वैसा बनाया का तो हमें सेल कर डालेंगे। जैसा आज बनाया देखो, आज जो मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट्स कैंडल में बता तू, रुको तुम ना यहाँ दिख रहा है यहाँ तुम ना, ये कल हमें बात कर रहे थे देखो एनालाइज वीडियो में, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन फेस करता। यहाँ चाको क्या करे मार्केट एक दिख रहा है ये कैंडल, ज़रा जूम करके बता तू रुको, ये कैंडल क्या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख को बताओ। ये कैंडल में कौन कौन ट्रेड करे, कौन कौन ट्रेड करे लिख को बताओ। यहाँ अगर तुम्हें सेल करते तो पी बाई कर लेते तो यहाँ दिख रहा है यहाँ पूरा, इतना तो नहीं होता था लेकिन 1:2, 1:3 तो मिल ही जाता था अगर दाल को देखेगा तो। अगर यहाँ से एंट्री करे तुम्हें, ये इसकी क्लोजिंग बुक के हिसाब से गएगा तो ये कैंडल बने के बाद दे इसके नीचे एक रेड कैंडल बनना, क्लोजिंग होना, उसके बाद हमें एंटर करना, उसके हिसाब से करेंगे। स्टॉप लॉस क्या का तो हमारा ये कैंडल का हाई, टारगेट प्रीवियस सपोर्ट इच रख लियो, फिर भी 1:89 रेशो मिल गा ठीक है।
अब चलो वन आवर में चल जाएंगे, सबांग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे क्या करना कैसा कमाना। फ्लैट ओपनिंग के बारे में बात कर लिया, अब गैप अप के बारे में बात करेंगे। अब बाई चांस मार्केट यहाँ खुल जाता, खुलते ही क्या करता बोलो उन्हें मार्केट, फर्स्ट जो सेल कर को ही देखो, कल जो भी आज सेल कर को ही देखो पी, उनके स्टॉप लॉस हिट करता। उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहती, यहाँ रहता, नहीं तो यहाँ रहता, वैसा रहता स्टॉप लॉस उनका। क्यों होगा तो यहाँ एग्जैक्टली नहीं रख सकते ना, उनको भी मालूम यहाँ तक मार्केट आको रिजेक्शन फेस करको नीचे आता सो, वो वास्ते उन्होंने स्टॉप लॉस क्या करती, इसका 50% रखती, नहीं का तो ये कैंडल का हाई रखती उतना अच्छे, ये पूरा हिट कर ले को क्या करता, एक अच्छा फॉल दिखाता। उनके स्टॉप लॉस हिट होना नहीं तब बीच ना मार्केट नीचे आता, वैसा गैप अप के बारे में बात कर ली। अब क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, गैप डाउन के बारे में। अब यह है देखो आज की क्लोजिंग हुई, देखो वो एक हमारे वास्ते सपोर्ट बन गए सो, कभी भी मार्केट जहाँ क्लोजिंग देता वो एक सपोर्ट, ठीक है, वो ब्रेक होना, वो ब्रेक होने के बाद हमें सेल कर सकती, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ब्रेक होगा का तो हमें सेल आराम से करता ले जा, टेंशन नहीं सो। अब गैप डाउन के बारे में बात करेंगे, गैप डाउन यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया कि यहाँ खुल गया कि ये कैंडल के लो, वेट करेंगे क्या प्राइस एक्शन का। फर्स्ट क्या का तो मैं क्या बोलया, मेरे कौन से भी वीडियो में जाग देख लियो, कल के वीडियो में जाग देख लियो, मैं फर्स्ट क्या बोलता हूँ, फर्स्ट 5-10 मिनट मार्केट ट्रैप करता सबको, उनके भी बायर्स के भी स्टॉप लॉस खाता, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस खाता। आज देखे नहीं, आज मार्केट ओपन हुआ, बिगिनर्स रिटेल ट्रेडर्स क्या करती हैं बोलो, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, खरीद लेंगे ग्रीन कैंडल खरीद लेती, उसके बाद वही साथ नीचे आता, जो भी उनके स्टॉप लॉस हिट कर दलिया करेक्ट, उसके बाद ज़र्रा रिट्रेस कर को फिर नीचे आ गया वो, वही साथ साइकोलॉजी काम करती है सो मार्केट में, वेट करना, पेशेंस से वेट करना, उसके बाद ही एंट्री और एग्जिट। सबसे बड़ी चीज़ क्या कहते हो मार्केट में, एंटर कहाँ करना, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, एग्जिट कहाँ करना, ये समझ गए कहते हो तुम्हें, तुम्हारी साइकोलॉजी काम आती है, ठीक है। अब समझ लेंगे, यहाँ ओपन होती है फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ ओपन हुए के बाद क्या करना, हमें 5 मिनट वेट करेंगे, क्या कर रहा मार्केट, फर्स्ट किसके किसके स्टॉप लॉस ही उनको हिट करता मार्केट, उसके बाद अब सब देखेगा तो निफ्टी का फिन निफ्टी का एक्सपायरी अलग, फर्स्ट हाफ शायद साइडवेज हो जाएगा, ऐसा ऐसा साइडवेज होता को बाद में ब्रेक डाउन दे लेगा तो एक अच्छा मूव आएंगी ना, फर्स्ट ये ब्रेक डाउन होगा का तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहता 39,214, यहाँ टच होने के चांसेस ही, यहाँ ज़रा बहुत सस्टेन कर लिए के बाद फिर एक फॉल, नहीं का तो क्या करता का तो उन्हें, नहीं का तो क्या करता, यहाँ सस्टेन कर ले को रहता मार्केट, ठीक है। अब इतना फॉल होगा, ज़र्रा रिकवरी होना ना, इसका 50% तक आना ना मार्केट, तब बीच ना हमें हेल्थी ब्रेक डाउन फॉल कर को समझती, तब बीच ना हमें सेल करना, उसके वास्ते यहाँ तक आने देंगे। अगर बाई चांस यहाँ नहीं आया, यहाँ से नीचे गिर गया, गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिर गया, यहाँ गिर जाता देखो, बाई चांस यहाँ ओपन होगा मार्केट, यहाँ से नीचे गिर रहा, गिरने दियो परवाह नहीं, एंट्री नहीं करना, उसके बाद इसका 50% रहता फिबोनाची लगाओ, फिर यहाँ रिजेक्शन फेस करता देखो, उसके बाद एंट्री लियो, फर्स्ट टारगेट जो लो लगा कर रहता देखो उसका, सेकेंड टारगेट अगर ये ब्रेक कर दलिया का तो उसके बाद यहाँ तक आ सकता 38,810। ये कई को बोल रहा हूँ का तो मैं, अगर तुम्हें प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेगा तो देखो प्राइस एक्शन का तो ये प्रीवियस हिस्ट्री वॉल्यूम्स वो सब भी चेक कर कुछ ट्रेड करना सो। अब यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ देखो यहाँ ये पहले सपोर्ट था, यहाँ से इस मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ से इस मार्केट नीचे आया, यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ से इस मार्केट नीचे आया, वो पूरा प्रीवियस हिस्ट्री देख ले को मैं बोल रहा हूँ सो कि मार्केट में कैसा ट्रेड करना।
ठीक है, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक से दो बार वीडियो देखो, मालूम हो जाता। अगर फिर भी क्या तो भी डाउट है का तो कमेंट सेक्शन में लिखो बताओ, नहीं का तो मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पिंग करो, क्या भी ये करो ना को कोर्स क्या भी बेच रू नहीं, मेरा टेलीग्राम भी नहीं है, मैं टिप्स भी नहीं प्रोवाइड करता, फीस भी क्या भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसे वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, लाइक करो और शेयर भी करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।